सितारे जिसकी गर्दे राह हूँ वो कारवां तू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड वन, आपको अपनी ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद कहती हूँ। मैं आपकी उर्दू की टीचर मिसेस साइमा नसीर आपसे मुखातिब हूँ। सेशन टू, दूसरी नशस्त। बेटा जी, अपनी दूसरी नशस्त का आगाज़ करते हैं। बेटा जी, अपनी बुक के सफ़ा नंबर 24 पे आ जाएं, 24, ठीक है। आपने ये हाफ पेज करने, ऊपर वाला जो काम आपकी बुक में, आपकी किताब में किया हुआ है मोतिया में, आपने ये काम बुक में करना है। ये आपके जो अल्फाज हैं ये जैसे लिखे हुए हैं बेटा जी, प्लस रिमूव करके आपने इसी तरह जोड़ देने हैं, ठीक है। मैं आपके लिए पढ़ लेती हूँ। सबसे पहले आप ऊपर यहाँ पेज बना लें, सी डब्ल्यू लिख दें और आज की तारीख लिख दें। तारे तलिफ ता रे बढ़िए रे, ये आपने जोड़ देने हैं। दाल अलिफ दा नून बढ़िए ने, दाने को जोड़ देने। बीच में से आप प्लस रिमूव करोगे, ठीक है। प्लस हटाओगे तो ये, इनको इकट्ठा करोगे तो ये इस तरह की शक्ल आ जाएगी। काफ अलिफ का लाम बढ़िए ले काले, ठीक है, ये जोड़ देने। ये देखें, ये जोड़ का यहाँ भी मिलाइए लिखा हुआ है, यानी इनको जोड़ना है। ये देखें, ये पज़ल जो है ये अलग हो रहा है, इनको अलग कीजिए। जो आप बेटा जी अलग करने वाली एक्टिविटी है वो आपने पूरी इश्काल लिखनी है, ठीक है। जे अलिफ चार रे बढ़िए रे, ये चार हरफी अल्फाज हैं। ये सारे कितने हरफ हैं? चार हैं। जे और अलिफ दो हो गए, रे और बढ़िए दो ही होगी, ये टोटल कितने हो गए? चार, ठीक है। इसलिए जे के साथ अलिफ जोड़ोगे, आपने जे प्लस अलिफ, फिर रे है, फिर बढ़िए है, फिर आपने रे और बढ़िए डालने, ठीक है। इस तरह नून के साथ अलिफ जुड़ा हुआ है, आपने नून अलिफ ना इस तरह तोड़ना है। जे के साथ बढ़िए जुड़ा हुआ है, हमने पिछली जो एक्टिविटी की थी सेशन वन, उसमें हमने बढ़िए के साथ अल्फाज जोड़ने सीखे थे, कैसे आप आधी शक्ल को बढ़िए के साथ जोड़ते हैं। तो अभी ये देखें वही है, ठीक है, नून बढ़िए ने है, जैसे ये जे बढ़िए जे। तो आपने जे के साथ बढ़िए जब अलग करेंगे तो जे पूरा लिख के फिर बढ़िए लिखेंगे। इसी तरह माने हैं, मीम अलिफ मा नून बढ़िए ने माने, मीम प्लस अलिफ, पूरा मीम लिखना है बेटा जी। मीम की दुम जो है लाइन से नीचे ज़रूर उतारनी है। नून का पेट लाइन से नीचे उतरेगा, इसके पेट के मिडल में से लाइन जाएगी। इसी तरह चे भी आपने लाइन से नीचे उतार के यहाँ से थोड़ा सा ऊपर करने लाइन से, ठीक है। मीम अलिफ मा नून बढ़िए ने माने। बेटा जी, ये जो काम है ये आपने अपनी नोटबुक में करना है, ठीक है। ये अभी मैं आपको बताती हूँ आपने कैसे करना है। जी, ये जो आपको अभी मैंने एक्टिविटी दिखाई है आपकी नोटबुक वाली, तो आपने ये करना है, ठीक है। कुछ मैंने दो आपके लिए लिख दिए बेटा जी, बाकी आपने खुद लिखना है, क्योंकि इसमें कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपने प्लस रिमूव करना है, जो आपके तोड़ है एज इट इज़ आपने जोड़ में उठा के लिख देने हैं। सबसे पहले अपनी कापी में पेज बनाएं, सी डब्ल्यू लिखें, आज की तारीख लिखें और आज का दिन लिखें। पहली लाइन में सरगर्मी लिखेंगे मिलाइए, ठीक है, यानी जोड़ना है अपने। तोड़ लिखेंगे एक लाइन छोड़ के और यहाँ जोड़ लिखेंगे। तोड़ के नीचे सारे तोड़ आपने लिखने हैं। लाम अलिफ ला प्लस ते बढ़िए ते लाते। ये बेटा जी, हमने जो पहला मुसवता पढ़ा था अलिफ उसकी प्रैक्टिस है, और साथ जो आखिरी मुसवता बढ़िए पढ़ा था उसकी प्रैक्टिस है, यानी आधी शक्ल को अलिफ के साथ कैसे जोड़ते हैं, फिर आधी रूफ को, आधी इश्काल को बड़ी ये के साथ कैसे जोड़ते हैं, ठीक है। आपकी ये प्रैक्टिस भी हो रही है और आपको जोड़ तोड़ भी आ रहा है, ठीक है। लाते, ये लाते एज इट इज़ लिखना है। चे अलिफ चा टे बढ़िए टे चा टे, आपने चे ओ अलिफ चा और टे बढ़िए टे इसी तरह जोड़ देना है। यहाँ प्लस जो था उसको रिमूव करना है और इनको करीब ले आना है। इसी तरह मीम अलिफ मा रे बढ़िए रे मारे है, ये भी आपने प्लस हटा के यहाँ क्या लिखने है, मीम अलिफ मा रे बढ़िए रे मारे। इसी तरह जीम अलिफ जा ते बढ़िए ते जाते हैं, आपने ये दोबारा लिखने हैं यहाँ, जीम अलिफ जा ते बढ़िए ते, लेकिन प्लस नहीं लिखना, ठीक है। ये जोड़ बेटा जी आपने सारे खुद लिखने हैं। ची अलिफ चा लाम बढ़िए रे, यहाँ आप क्या लिखोगे, चाले जोड़ के लिखोगे। डाल अलिफ डाल लाम बढ़िए ले डाले, यहाँ दोबारा डाले लिखोगे लेकिन प्लस नहीं लिखोगे। इसी तरह जीम अलिफ जा लाम बढ़िए ले जाले है, आपने ये भी जीम अलिफ जा लाम बढ़िए ले जाले यहाँ जोड़ के लिखोगे, बीच से आप जो है प्लस रिमूव कर दोगे, ठीक है।
बेटा जी, ये सरगर्मी जो है आपने अपनी नोटबुक की नेक्स्ट पेज पे करनी है। यहाँ जमात का काम लिखेंगे, आज की तारीख लिखेंगे और आज का दिन लिखेंगे। सरगर्मियाँ अलग कीजिए, यानी आपने जोड़ के तोड़ बनाने हैं। ये जोड़ जो है ये आपकी कापी के सफ़ा नंबर, आपकी बुक के सफ़ा नंबर 24 से लिए गए हैं, ठीक है। और आपने जो है ये अपनी कापी में काम करना है, आपकी बुक में लिखा हुआ है ये काम आपने नोटबुक में करना है। एक साइड पे आप जोड़ लिखेंगे और एक साइड पे तोड़ लिखेंगे। बेटा जी, एक बात ध्यान रखना है, आपने जब इनके तोड़ बनाए तो आपने आधी शक्ल नहीं लिखनी, बल्कि आपकी बुक में ऊपर एग्जांपल दी हुई है, आपने पूरी शक्ल लिखनी है। ये भी चार हरफी अल्फाज हैं, सीन अलिफ सा दाल बड़िए दे सादे। आपने चार हरफ लिखने, सीन प्लस अलिफ सा दाल प्लस बड़िए दे सादे। काफ अलिफ का लाम बड़िए ले, काफ प्लस अलीफ प्लस लाम प्लस बड़ी, ठीक है। दाल अलिफ दा नून बड़ी ने, दाल और अलिफ तो आपको समझ आ रही है, ये छोटा आधा नून जुड़ा हुआ है और फिर बड़ी है, तो ये आपने ऐसे खोल देना है, दाल अलिफ दा प्लस नून प्लस बड़ी है। इसी तरह पे अलिफ पा लाम बड़ी ले पाले हैं, आपने पे के साथ अलिफ ऐसे लिखने हैं, पे पूरी शक्ल लिख के अलिफ लाम और बड़ी है, ठीक है। जाले जीम अलिफ जा लाम बड़ी ले जाले, जीम प्लस अलीफ प्लस लाम प्लस बड़ी ये, ठीक है। इसी तरह फे अली फा काफ बड़ी ये के फाके, फे प्लस अलीफ प्लस काफ प्लस बड़ी ये। बेटा जी, आज नहीं काफ़ी है, अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे, तमाम मुसीबतों परेशानियों से दूर रखे। आमीन सुमामीन, अल्लाह हाफिज़।